हम इस समय यहाँ खड़े हैं लीची के लिए मशहूर बिहार के मुजफ्फरपुर में, जहाँ की शाही लीची पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ करीब 40-50 रुपए पर बिकने वाली ये लीची आपको जब मुंबई या दिल्ली में मिलती है तो उसकी कीमत शायद 200 या 225 रुपए किलो तक होती है। लेकिन ये पहली बार है कि इस 200 रुपए या 225 रुपए किलो पर बिकने वाली लीची का एक बड़ा हिस्सा सीधे मुजफ्फरपुर के किसानों की जेब में जा रहा है। लीची के किसी भी किसान से बात कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि मोटी दिखने वाली यह खेती दरअसल कितनी महीन है। इतनी महीन कि दिन रात मौसम के जोखिम से दो चार होने वाला किसान भी इसका जोखिम नहीं लेना चाहता और अपने पेड़ औने पौने दाम पर किसी न किसी व्यापारी को ठेके पर दे देता है। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड की ये महिला किसान भी पिछले साल तक दूसरे लीची किसानों की तरह अपना पेड़ ठेके पर देने को मजबूर थी, लेकिन इस साल से उनके लिए ये खेती भी बदल गई है और उसकी मार्केटिंग भी। पहले जो बेचते थे बिचौलिया के साथ बेचते थे तो वो नहीं, दवा हम लोग के यहाँ छिड़काव उड़काव नहीं होता था। जब यहाँ जीविका से जुड़े हैं तो भैया लोग आए और छिड़काव किए, फिर उसके बाद पानी उनी के जो पैसा नहीं मिलता था हम लोग के यहाँ, पैसा भी देते हैं ये लोग, जीविका से मिलता है पैसा। फिर क्या हुआ कि जो भी काम होता है यहाँ पैसा के खाते पर पैसा आता है। बिचौलिया के साथ जो बेचते थे वो क्या होता था कि जो देता मैंने बोलता था वो देता था नहीं, मैंने अपने लेकर जा चले जाता था। यहाँ जो है सो हम लोग को जो बोला गया सो पैसा मिल जाता है। कांति देवी दरअसल जिस जीविका की बात कर रही हैं वह बिहार सरकार का एक ग्रामीण लाइवलीहुड प्रोग्राम है, जिसने इस साल पहली बार लीची के किसानों को बेहतर भाव दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर के एक प्रखंड में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। प्रोजेक्ट के तहत किसानों को लीची की खेती के बिल्कुल शुरुआती चरण से जोड़ा गया, ताकि पेड़ों की बेहतर देखरेख से उसकी उत्पादकता भी बढ़ाई जा सके। साथ ही उन्हें बाजार उपलब्ध कराने का जिम्मा भी जीविका ने ही उठाया है। पौधे को अच्छी तरह से देखभाल हुआ है, उस पर छिड़काव किया गया है कीटनाशक का पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक, और उसमें भैया लोग देख रेख बगीचा को किया अच्छे से, और व्यापारी से हम लोग बेचते हैं तो वो लोग अच्छे से देख रेख पेड़ को नहीं करते हैं और पैसा में विलम्ब करते हैं। अच्छा मुनाफा हुआ तो पैसा जल्दी रिटर्न करते हैं और अच्छा नहीं हुआ तो पैसा जल्दी नहीं देते। पहली बार किए गए इस प्रयोग में हालांकि करीब 200 लीची किसान शामिल हुए, लेकिन इसमें सीधे तौर पर अपने पेड़ जीविका को देने वाली महिला किसानों की संख्या अभी केवल 19 है। इस सत्र में जीविका ने समर्पण प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से करीब 6 टन लीची की खरीद कर उसकी मार्केटिंग की है। जीविका ने लीची की मार्केटिंग के लिए ऑनलाइन माध्यम का सहारा लिया है और इसके लिए कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX को अपने साथ जोड़ा है। इस बार हम लोगों ने 4 प्रोड्यूसर ग्रुप्स के साथ जो काम किया है उसमें हमारे साथ टोटल 19 दीदी थे, और 19 दीदी के पास में अपना कुछ जो पेड़ थे वो पेड़ हम लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लिए थे। उसके अलावा हमने वायदा खरीदारी भी की है, मतलब जैसे वो स्पॉट में परचेज होता है उसको भी हमने किया। जब दीदी के साथ ये काम हो रहा है तो ये प्रोड्यूस को उनको बेचने की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए सबसे इस बार सबसे सर्वप्रथम हम लोग NEML के साथ हम लोग जुड़े और इसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने इसकी ट्रेडिंग की है। जो ट्रेडिंग जब हम लोग कर रहे हैं इसकी, तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग में हम लोग जो है क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपने, जो NCDEX के माध्यम से होता है, और NCDEX में रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वहाँ पे बहुत सारे बायर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपके पास अपनी बार्गेनिंग पावर रहेगी जिससे कि आप अपने प्रोड्यूस को अच्छी कीमत पे बेच सकते हैं, जिसका फ़ायदा आपको दीदी को मिलने, जीविका की दीदी जो प्रोड्यूसर ग्रुप्स के साथ जुड़ी है, जो कंपनी के साथ जुड़ी है, जो समूह के साथ जुड़ी है, उनको इसका फ़ायदा मिल पाएगा। एक राष्ट्रीय एक्सचेंज के नेटवर्क का फायदा उठाते हुए समर्पण प्रोड्यूसर कंपनी ने
इस सत्र में अपनी लीची को बिहार की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इससे एक ओर जहां सरैया की लीची को पुणे से दिल्ली तक के बाजार मिल गए, वहीं किसानों को अपने फल के लिए देश भर के कई खरीदारों की बोलियां मिल गईं। जाहिर है प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो बेहतर कीमत भी मिली। ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए हमने क्या किया कि विभिन्न राज्यों को टच किया हमने, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि पहले हमारा मुजफ्फरपुर तक ही सीमित था, अब धीरे धीरे पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सबों पर हमारा मार्केट मिला। तीसरी फायदा सबसे बड़ी चीज़ हुआ है कि हमें जो प्राइस था वो 50-70% जो प्रॉफिट हुआ वो हमको सेम डे ही मिल गया। पीजी यानी प्रोड्यूसर समूह में शामिल सभी किसान महिलाएं हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इन सभी महिलाओं के पास लीची के अपने पेड़ हों। इनमें से कुछ महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो मजदूरी के लिए ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, और इसलिए लीची की ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए भी ऐसी महिलाओं को ही प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास खुद के पेड़ नहीं है। हमारा पेड़ नहीं है, फिर मजदूरी करते हैं तो 120 रुपया डेली मिलते हैं। अच्छा, तो ग्रुप में जो आप जुड़ी हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है आपको? फायदा ये है कि जुड़ते हैं तो काम मिलते हैं, लीची की टूटते हैं तभी काम मिलेगा। इसके अलावा कंपनी में लीची की बिक्री से हासिल मुनाफे को बांटने का ढांचा भी कुछ इसी तरह से बनाया गया है ताकि महिला किसानों को उनके पेड़ का मुनाफा तो मिले ही, उनकी अगली फसल में निवेश के लिए एक फंड भी तैयार हो सके और उन महिलाओं को भी एक हिस्सा मिल सके जिनके पास अपने पेड़ नहीं हैं। हमने 20 किसान के साथ लीची खरीदारी किए हैं, जिसमें 5 लाख रुपया हम दीदी को दिए हैं और उसके बाद उसमें से 70,000 रुपया हम लोगों को प्रॉफिट हुआ है। जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का 30% जो है वो प्रोड्यूसर कंपनी जो है हमारी समर्पण जीविका महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वो उसके पास चला जाता है। 50% जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो हिस्सा एज पैट्रोनेज बोनस दीदी लोगों के पास चला जाएगा, जिन दीदी लोगों ने हम लोगों को लीची दी है, वो प्री हार्वेस्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो या फिर वो स्पॉट सेल में हो, वो उनके पास चला जाएगा एज पैट्रोनेज बोनस। ये उनको इनकरेज करने के लिए कि वो आगे आने वाले सालों में भी जीविका के साथ जुड़कर लीची का काम करें। और उसके अलावा जो 20% हिस्सा बचता है वो 20% हिस्सा जो है वो उत्पादक समूह को चला जाता है, जिससे कि उत्पादक समूह में जो दीदियां किसी कारण से इस साल नहीं दे पाई उनको भी इनडायरेक्टली फ़ायदा हो सके और उत्पादक समूह उस पैसे को इस्तेमाल करके आगे और जो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ हैं उनकी उसके लिए यूज़ कर सके उनको। लीची की खरीद और उसकी मार्केटिंग के लिए जीविका को टेक्नो सर्व से तकनीकी मदद मिलती है। वैसे तो व्यापारी भी लीची की खरीद में आगे रहते हैं, लेकिन जीविका बाकायदा किसानों को समय समय पर कई तरह के तकनीकी प्रशिक्षण दिलाती है ताकि उत्पादन में बढ़ोतरी हो और गुणवत्ता बेहतर हो। मैंने उसके लिए मैंने NRC के जो साइंटिस्ट लोग हैं उनको बुलाया और उनको मैंने जिनके साथ मैंने कॉन्टेक्ट करवाया था उसके लिए हमने क्या किया कि उनको बुला कर टाइमली उनको इरीगेशन का क्या होगा उसका मैंने प्राइस कर दिलवाया, इंसेक्टिसाइड कब डालना है और कितनी डालना है उसके लिए मैंने वो कराया और उनको इंसेक्टिसाइड भी अवेलेबल करवाया और टाइमली इरीगेशन, इंसेक्टिसाइड और कब खाद पड़नी है उनको वो भी मैंने बताया। लीची की खेती में बिहार के एक जिले में हुई यह शुरुआत बहुत छोटी है, लेकिन इसने पहली बार किसानों को ये सोचने करने का साहस दिया है कि अपनी लीची को बेचने के लिए वे केवल स्थानीय व्यापारियों के मोहताज नहीं हैं। इस पहल की संभावनाओं की कल्पना केवल इसी एक तथ्य से की जा सकती है कि अगले साल के लिए जीविका ने 1,000 टन लीची की मार्केटिंग का लक्ष्य रखा है। लीची की मार्केटिंग का ये पहला साल था जिसमें करीब करीब 14 टन लीची ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बेची गई, लेकिन किसानों को जिस तरह से फ़ायदा हुआ है और जो उत्साहजनक नतीजे इसके देखने आए हैं उसमें यही उम्मीद की जा सकती है कि अगला साल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लीची के बिक्री में कई गुने की बढ़ोतरी होगी और साथ ही लीची के किसानों की माली हालत भी सुधरेगी। Mandi.com के लिए मुजफ्फरपुर के ब्लॉक से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।